अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे साथ वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जो ईवीएम को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, प्रोफेसर रतनलाल। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो शुक्रिया, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, कहते हैं कि सत्ता जो लोकसभा चुनाव की सत्ता होती है वो उत्तर प्रदेश होकर आती है, जो गठबंधन था वो बुरी तरीके से हारा था, जबकि देश की आज़ादी के बाद बहुत टाइम शासन तो रहा कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा रहा वो रहा सपा और बसपा का। अब जब दोनों का गठबंधन हो गया उसके बावजूद भी लोग अपने आप को, बहुजन समाज के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या लगता है कि जो मनोबल है बहुजन समाज के लोगों का टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और इस तरीके से पार्टियों का क्या होगा उसके बारे में बताएँ। देखिए, बहुजन जमात तो सड़कों पर लड़ता रहा है। अगर 2 अप्रैल 5 मार्च आप देखेंगे जी, तो लोग सड़क पे आए थे ना, पार्टियां बाद में आई हैं, पार्टियां नहीं भी आई हैं या बाद में आई हैं जी। तो बहुजन जमात का तो इतिहास रहा है, वो लड़ेगा ही और लड़ता रहेगा ही जी। देखिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ और किसी चीज़ की जब व्याख्या करते हैं तो पूरे टोटालिटी में करते हैं, पूरे संपूर्णता में करते हैं। और ईवीएम तो एक मसला है ही कि रिग्ड हुआ है वोट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो खास तौर से जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, अब खास तौर से अब तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो नहीं करती हैं, वो सबका विकास करना चाहती हैं। तो सबका विकास तो भाजपा भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर, जरा यही आप बता दीजिए हमें जी। तो कुछ पार्टियां हैं कन्फ्यूजन में रहती हैं, उनको लगता है कि मुझे सब लोग वोट दे देगा, ऐसा होता होता नहीं है जी। और पूरा इतिहास गवाह है इसका। तो मुझे लगता है कि एक क्रिकेट में कहावत है कि जब बैट्समैन फेल होने लगते हैं तो उनको कहा जाता है कि गो बैक टू द बेसिक्स। तो मुझे लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना ये फार्मूला अपनाना चाहिए, और इन गो बैक टू द बेसिक्स, अपने जो जमात है उनके वोट को इकट्ठा करना चाहिए जी। अब मेरे से राय पूछ रहे हैं तो मेरी राय, हमारी राय तो पॉलिटिकल पार्टीज लेती नहीं है, सब अपने अपने वहाँ इतने बड़े प्रकांड राजनीति के विद्वान लोग हैं कि उनको कोई ना थिंक टैंक की ज़रूरत होती है, ना कोई वॉर रूम की ज़रूरत होती है, ना कोई सोशल मीडिया रूम की ज़रूरत होती है, ना डेटा की ज़रूरत होती है, ना आंकड़े की ज़रूरत होती है। नेता लोग मिल गए वो मान के चलते कि हम लोग मिल गए तो जनता मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। तो कई फ्रंट पे कमियां रही हैं, और कांशीराम जी ने जिस तरीके से, उन्होंने क्या किया था पहले ये बात जानने की ज़रूरत है। कांशीराम जी के समय आप देखेंगे तो उन्होंने कम्युनिटी लीडर्स डेवलप किया था, हर समुदाय का लीडर बनाया था। तो इस पे फिर जाने की ज़रूरत है कि आप अपनी जमात जिसकी आप राजनीति कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो आपको वोट दे रहे हैं, वो कम्युनिटी लीडर उसमें से डेवलप करिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन भी ज़रूरी है, और प्राइवेट लिमिटेड की तरह पार्टी न चले तो बेहतर है। भाई एक बात बताइए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके पास ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए रिसर्चर होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, इकोनॉमिक्स पे क्या करना है, एग्रीकल्चर पे क्या बोलना है, हिस्ट्री में क्या बोलना है, फॉरेन पॉलिसी पे क्या बोलना है, तमाम इशूज़ पे उनको, उनके लीडर्स को लोग रिसर्चर फीडबैक करते हैं पढ़ के, क्योंकि लीडर हर समय सब कुछ नहीं पढ़ सकता है। सो दे हैव टू हैव टीम ऑफ रिसर्चर्स इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सब काम होना लाजमी है और ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले साल 2 साल में विश्वविद्यालयों में उबाल आया है एक तरीके का, और बहुजन जमात के रिसर्चर, स्कॉलर्स, टीचर्स भी हैं जो लगातार सवाल आंदोलन करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। तो जब तक आप आंकड़ा नहीं लेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, आपको अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से हैं उसको नहीं पहचानेंगे तो आप कैसे जीतेंगे। अब बीजेपी के पास एक खास बात देखिए, पहले कहते थे कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत तरीके से और चतुराई से इन्होंने क्या किया, दलित को राष्ट्रपति बना दिया। ओबीसी हैं नहीं अलग बात है, लेकिन वो तो कह ही रहे हैं कि ओबीसी हैं, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, और सब कम्युनिटीज़ में से उन्होंने लीडर्स बनाए हैं, छोटे छोटे जितने आपने छोड़ दिए हैं सब में से उन्होंने लीडर बना लिए। उनके जो कोर वोट है 95% उनके साथ इंटैक्ट हैं, वो चाहे इधर हो जाए, चाहे दलित राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है आइडियोलॉजी से। तो उनको पता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है क्या है, हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, इसलिए अपना कोर वोट इंटैक्ट रखते हैं, बाकी दलित में से, अति पिछड़ों में से और तमाम ऐसे लोगों में से कम्युनिटी लीडर्स बनाते हैं कि तुम अपनी जाति का वोट खाली तोड़ के लाओ ना, और बाकी सब वोट हम लोग इधर से मर्ज कर देंगे तो जीत जाएंगे। तो ये फार्मूला शत्रु से कई बार सीखे जाने की भी ज़रूरत है, और तमाम ईवीएम का विरोध है ही, और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं जी, वो आंकड़े कह रहे हैं। अगर ये आंकड़े गलत है तो क्विंट पे इलेक्शन कमीशन को केस करना चाहिए, जो छापा है उसको अरेस्ट करना चाहिए, जितनी अखबारों ने छापा है कि रिगिंग हुई है और मिलान नहीं हो रहा, उन पे केस करना, क्यों इलेक्शन कमीशन चुप है जी। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें अपने भी टीम को सशक्त करने की ज़रूरत है, और एक ये भी कारण है कि पूरे जितने बहुजन जमात जो दल हैं, बहुजन पार्टियाँ हैं,
वो कहीं ना कहीं अपने कोर एजेंडा से भटक गई हैं जी। अगर मैं नाम ही लेके कह रहा हूँ, अखिलेश जी अगर साधु को घुमा रहे हैं प्राइवेट जेट में, उससे बढ़िया किसी अति पिछड़े लीडर को घुमा लेते और किसी पसमंदा या मुस्लिम लीडर को घुमा लेते तो थोड़ा उसका उसका मैसेज आ जाता। आप बूथ वाइज पता कीजिए तो कितने आपको सवर लोग वोट दिए हैं। तो हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमें जिस एजेंडा पे काम करें, आप हिंदू बनाम हिंदू, आप वो राम मंदिर कह रहे हैं और आप विष्णु मंदिर कह रहे हैं, तो आप उन पता है कि भाई तो जब मंदिर ही बनाना है तो कोई दलित पिछड़ा लोग फिर राम ही मंदिर के पीछे चला जाएगा। तो हमें लगता है कि 5 साल, देखिए बीजेपी 5 साल काम करती है, उनके सैकड़ों विंग हैं, आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं, हिंदू महासभा, 5 साल काम करती रहती हैं। तो आपको सैकड़ों इस तरह के विंग्स बनाने पड़ेंगे, उसमें इनपुट डालना पड़ेगा, और सिर्फ इलेक्शन के दिन आप उतरेंगे मैदान में तो थोड़ी परेशानी उसमें ज़रूर होगी। इसलिए 5 साल काम करना है, और जितने भी डिप्राइव्ड और कम्युनिटीज़ हैं उसी का खेल जो बीजेपी कर रही है कि आपसे आपके लोग तोड़ के ले के जा रही है। कांशीराम जी ने पैसे के बल पे थोड़ी पार्टी खड़ा किया था, उन्होंने विचारधारा के बल पे जब खड़ा किया तो लोगों ने उनको सहयोग किया, पैसे दिए उनको ज़रूरत पड़ी तो जी। और जो पैसे उनको मिलते थे वो संगठन को तैयार करने में खर्च करते थे। तो मुझे लगता है पुनः जो है उस युग में हमें जाना चाहिए, और एक बार कांशीराम जी को और अम्बेडकर साहब को, लोहिया साहब को, कर्पूरी जी को, एक बार फिर अब्दुल कयूम अंसारी, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके आइडल्स रहे हैं, जो नायक रहे हैं, उनको पढ़े जाने की, उनको समझे जाने की ज़रूरत है जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।